अब मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। अब मुझे आज आप लोगों को एक स्टोरी सुनानी है। ओ समझी नहीं, मासा की परी कथाएं। आहा कितना काम करूं मैं छोटी सी बच्ची। मुझे ब्लॉक्स लगाने हैं, पूरी घर की सफाई करनी है और जाने कितने काम। चलो कोई नहीं, मैं आपको ब्लॉक्स लगाते लगाते अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ, जिसको सुन के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। चलो शुरू करते हैं फिर अपनी कहानी, जिसमें बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है। एक समय की बात है, ये कहानी है लोमड़ी और खरगोश की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लोमड़ी होती है बहुत ही चालाक और खरगोश होता है सीधा साधा। तो एक हाउस था, उसमें लकड़ी के हाउस में तो खरगोश रहता था और आइस क्यूब ठंडे हाउस में रहती थी लोमड़ी। एक गर्मी का सीजन आया और बेचारी लोमड़ी का घर पिघल कर बह गया। अब लोमड़ी होती है चालाक, भीगती भीगती आई खरगोश के पास। खरगोश अपने घर की बालकनी में खड़ा हुआ था और उसने पूछा, क्या हुआ बहन, लोमड़ी बहन क्या हुआ? उसने कहा, भाई मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ है। मैं आइस के घर में रहती थी, जैसे ही गर्मी का सीजन आया आइस सारी मेल्ट हो गई, पिघल गई। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ? खरगोश ने उसे अपने घर पर बुला लिया। अब तो लोमड़ी हर बात पर अपनी अपनी चलाने लगी। और फिर थोड़ी दिन बाद खरगोश से बहुत ही अटपटाने लगी। जैसे ही खरगोश खाना बना के लाता, तुम मेरे लिए ये लेके आओ। नहीं, मुझे ये खाना खाना ही नहीं है भाई, तुम तो खाना बहुत गंदा बनाते हो। अरे इस घर में इतनी गंदगी क्यों है? अलग अलग तरीके के कमेंट करने लगी खरगोश पर। बेचारा खरगोश अब क्या करता? लोमड़ी ने उसे घर से बाहर जाने को बोल दिया। सीधा साधा खरगोश बड़ा ही परेशान हो गया और सोचता है, अब बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा, चलो मैं ही घर से बाहर निकल जाता हूँ। और लोमड़ी बड़ी ही खुश, रोता रोता खरगोश अपने घर से बाहर निकल आया। उसे वहाँ एक डॉग मिला। बेचारे खरगोश ने अपनी सारी बात डॉग को बताई। वहाँ ऊपर से चालाक लोमड़ी झांक रही थी। खरगोश अपने घर के अंदर गया, उसने डॉग को अपनी कहानी सुनाई। भाई मेरे पास एक ये लोमड़ी का घर था आइस वाला और मेरा घर था लकड़ी का। जैसे ही गर्मी का सीजन आया और लोमड़ी का घर पिघल गया, मेरा घर तो लकड़ी का था इसलिए पिघला नहीं। और इस मक्कार लोमड़ी ने मेरा घर मुझसे छीन लिया। अब मैं कहाँ जाऊँगा, अब मैं क्या करूँगा? भीगती भीगती लोमड़ी मेरे घर आई थी, मैंने उसको रहने की जगह दे दी। अब तो वो महारानी बन गई, अब तो वो उसने मेरे घर पर कब्जा कर लिया। अब तुम ही बताओ डॉगी भाई, अब मैं क्या करूँगा? डॉग ने बोला, रुको तसल्ली रखो, मैं तुम्हारा सॉल्यूशन कुछ कर सकता हूँ। चलो मेरे साथ तुम्हारे घर के अंदर चलते हैं। सुन रहे हो ना दोस्तों, किसी का भला करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि भला करके शायद हो सकता है हमारा ही बुरा हो जाए। आजकल का जमाना ऐसा नहीं है। अब डॉगी उसके घर आया और बाहर महारानी लोमड़ी, देखो देखो महारानी लोमड़ी आराम से बेड पर लेटी हुई थी। अब तो भाई खरगोश और डॉग उससे सब बात समझाने आए कि भाई खरगोश को भी उसके घर रहने दो। लेकिन आप तो समझ सकते हो आजकल के लोगों को कितने सेल्फिश हो गए हैं, कोई किसी की बात ही नहीं सुनना चाहता। लोमड़ी ने उन दोनों को भगा दिया, फटकार दिया, जाओ इस घर से, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। बहुत कोशिश करने के बाद तब भी वो नहीं माने और भगा दिया। डॉगी और खरगोश को वहाँ से जाना पड़ा। खरगोश घर से थोड़ा सा दूर ही रो रहा था और बहुत ही उदास होकर बैठा हुआ था। बेचारा करे तो करे क्या, बड़ा ही परेशान था। अब डॉगी भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उन दोनों को ही भगा दिया था, अब होगा क्या? क्यों दोस्तों, मेरी कहानी ध्यान से सुन रहे हो ना? अब
वहां पर आया एक बड़ा बुल। बुल तो बड़ा ही चालाक होता है। सोचा था खरगोश ने कि बुल शायद फॉक्स से टक्कर ले लेगा और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देना। खरगोश ने फिर से अपनी कहानी सुनाई। फॉक्स के पास आइस का घर था, मेरे पास लकड़ी का घर था। गर्मी का सीजन आया, फॉक्स का घर पिघल गया और मेरा घर बच गया। फॉक्स मेरे घर आई और मुझसे बोली कि मैं तुम्हारे घर थोड़े दिन के लिए रह सकती हूँ। मैंने भी बोला चलो फॉक्स तुम रह लो मेरे घर। अब तो उसकी दादागिरी शुरू हो गई और उसने मुझे अपने घर पर नौकर बना दिया। अब बताओ मैं क्या करूँ? बोल अब तुम ही बताओ बोल भाई मैं क्या करूँ? ऐसा कोई होता है कोई मेरे घर पर कब्जा कर ले और मुझे को बाहर निकाल दे? बुल ने बोला तसल्ली रखो मैं तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। फिर तुम अरे अरे बस, खरगोश अपनी कहानी फिर से सुनाने लग गया। बुल बोला भाई अपनी कहानी अब अपने पास ही रखो, शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ और मैं करूँगा भी। चलो मेरे साथ अपने घर चलो। ओहो हो हो महारानी लोमड़ी फॉक्स जैसा कि आप जानते हैं आराम से पैड पर लेटी हुई थी, आराम फरमा रही थी। धीमे धीमे बुल और खरगोश उसके पास गए और बुल बोला। वो बुल बेचारे बुल ने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप आए बड़े से बियर। जैसा कि आप जानते हैं बियर का साइज तो बिग होता है ना। खरगोश ने अपनी कहानी सुनाई, दुख वाली कहानी सुनाई और बेचारा रोते अपने आंसुओं को पोंछ रहा था बराबर। आप दोनों मिलके गए, चालाक लोमड़ी आराम फरमा रही थी और बुल उसके घर के अंदर ही था। बियर ने बोला ओ हेलो चालाक लोमड़ी, ये घर तेरा नहीं है, तू यहाँ से निकल जा और इस प्यारे से खरगोश को इस घर में रहने दे। खरगोश ने मुझे बहुत ही लंबी कहानी दुख भरी कहानी सुनाई है कि खरगोश का लकड़ी का घर था, वो आराम से रहता था, बहुत सुकून था उसे अपने घर के अंदर। और तुम्हारा घर था आइस का, तुम बहुत परेशान थी अपने घर से, गर्मी का सीजन आया और तुम्हारा घर पिघल गया। सो प्लीज़ तुम इस घर को छोड़ दो और इस खरगोश को रहने दो। ऐसे ही धीरे 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 करके हाथी बैल भैंस लॉयन सब उसके घर पे इकट्ठे हो गए। सारे जानवर मानो सारे एनिमल्स जंगल के सारे एनिमल्स उसके घर पर आ गए और वन बाई वन खिड़की से झांकने लगे। उसका घर इतना कंजस्टेड हो गया, इतना भर गया था। बियर ने भी कुछ ऐसा ही ट्राई किया। बियर ने जैसे ही अपना मुंह घर के अंदर डाला वैसे ही ये क्या हुआ, सभी जानवर चौंक गए। अब ये कहाँ से इस घर के अंदर आ जाएगा? बियर फिर से कोशिश करता है, उसने अपना एक पैर जोर से रखने की कोशिश की। समझ रहे हैं ना आप क्या हुआ था सिचुएशन में? देखो फिर उसने अपना फेस और टमी दोनों चीज़ों को अंदर करने की कोशिश की और घर पूरा तहस नहस हो चुका था, पूरा टूट चुका था। समझो मानो पूरा घर ही बेकार हो गया हो खरगोश का। इसलिए पहले किसी की भलाई करने से पहले अपने बारे में भी सोचना चाहिए भाई, सामने वाला है कैसा और उसकी पूरी जांच पड़ताल किए बिना किसी के हेल्प नहीं करनी चाहिए यूँ ही।